दोस्तों आज से हम छत्तीसगढ़ के इतिहास के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कलचूरी वंश की। तो इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के कलचूरियों के राज्य स्थापना से पूर्व के इतिहास को पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनका नामकरण से संबंधित तथ्य, इनका भौगोलिक विस्तार अर्थात भारत के किन किन क्षेत्रों में इन्होंने राज्य किया, इनका ऐतिहासिक परिदृश्य, त्रिपुरी के कलचूरी शासक, और सबसे लास्ट में देखेंगे कि किस प्रकार त्रिपुरी के कलचूरियों ने दक्षिण कौशल में अपने सत्ता की स्थापना की। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू साहू स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे YouTube चैनल कंपटीशन कम्युनिटी में। तो कलचूरी वंश के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़ने से पहले हम एक बार कलचूरी वंश का ओवरव्यू देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने की दृष्टि से कलचूरी वंश को तीन भागों में बांट लेते हैं। पहला इनकी उत्पत्ति, दूसरा इनका नामकरण और तीसरा इनका भौगोलिक विस्तार। उसके बाद भौगोलिक विस्तार को हम मध्य एवं पश्चिमी भारत के कलचूरी और दक्षिणी कलचूरी में बांट लेते हैं। तो मध्य और पश्चिमी भारत में इन्होंने प्रयाग, काशी, माहिष्मती, कालंजर, त्रिपुरी, बुंदेलखंड और दक्षिण कौशल में राज्य किया। वहीं कर्नाटक क्षेत्र में जो राज्य करने वाले कलचूरी थे वे दक्षिणी कलचूरी कहलाए। फिर 14वीं शताब्दी में क्या हुआ कि ये जो दक्षिण कौशल के कलचूरी थे ये दो शाखाओं में विभक्त हो गए, जिसमें इनकी जो पहली शाखा थी वो रतनपुर के कलचूरी कहलाए और जो दूसरी शाखा थी वो रायपुर के कलचूरी कहलाए। तो देखिए, ये जो पूरा पोर्शन है वो कलचूरियों के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत आता है और ये जो पोर्शन है ये दक्षिण कौशल में कलचूरी राजवंश के अंतर्गत आएगा। तो देखो, आज हम जो पढ़ेंगे वो सिर्फ कलचूरियों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़ेंगे, लेकिन इसे पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि पिछले वर्षों में CGPSC में यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। वर्ष 2014 में यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था और वो प्रश्न था, निम्न पर विचार कर सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें तीन कथन दिए गए थे, जिसमें पहला कथन था कलचूरी राजवंश का संस्थापक कृष्णराज था, दूसरा कथन था त्रिपुरी में स्थायी रूप से राजधानी करने का श्रेय कोकल्यदेव प्रथम को जाता है, और तीसरा कथन था कोकल्यदेव प्रथम का उल्लेख बिलहरी लेख में मिलता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया था ए केवल एक, बी केवल दो, सी केवल तीन, डी ये सभी और ई इनमें से कोई नहीं, और इसका सही उत्तर था डी ये सभी। मतलब ये जो तीनों कथन दिए गए हैं ये सभी के सभी क्या हैं, सत्य हैं। देखो, यहाँ से केवल 2014 में सिर्फ एक ही बार सवाल पूछा गया है, मतलब आने वाले वर्षों में CGPSC में यहाँ से सवाल पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब हम कलचूरियों के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी उत्पत्ति की। तो विष्णु पुराण और मनु परंपरा के अनुसार जो ब्रह्मा के मानस पुत्र महर्षि अत्रि थे उनकी पत्नी सती अनुसुईया से उनको चंद्र उत्पन्न हुए और यहीं से कलचूरी वंश जो है वो प्रारंभ हुआ। इसलिए ये जो कलचूरी वंश के शासक हैं ये खुद को चंद्रवंशीय क्षत्रिय कहते हैं। चंद्र के बाद क्या हुआ, इसी क्रम में बुद्ध, पुरुरवा, नाहुष, ययाति, यदु, सहस्त्रजीत, सत्यजीत और फिर है हुआ और यहाँ से है वंश प्रारंभ हुआ। ये जो है वंशी थे ये अपनी उत्पत्ति जो है वो अही है से मानते थे। मतलब इनका मानना था कि जो इनकी उत्पत्ति है वो अही मतलब नाग और है मतलब घोड़ी से हुई है। जो छत्तीसगढ़ में राज्य करने वाले कलचूरी वंश थे वो खुद को इसी है वंश के अंतर्गत मानते थे। है वंश के आते आते ये जो चंद्र वंश था वो पूरा 14 शाखाओं में विभाजित हो गया था और इस है वंश की 8वीं पीढ़ी में राजा महिष्मान हुआ। इसने कलचूरी वंश की राजधानी माहिष्मती, जिसे माहेश्वर भी कहा जाता है, उसको बसाया था और इसकी 8वीं पीढ़ी में राजा कृतवीर्य और उससे राज राजेश्वर सहस्त्र अर्जुन हुआ। ये जो सहस्त्र अर्जुन है इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि इसके 1000 हाथ थे और इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि ये कलचूरी वंश का ही नहीं बल्कि और बहुत सारे वंशों का आराध्य देव था और जो ये जो कलचूरी वंश हैं ये स्वयं को इसी सहस्त्र अर्जुन के संतान मानते थे। अब हम बात करते हैं इनके नामकरण की। तो बहुत सारे अभिलेखों में इनके नामकरण के अलग अलग प्रमाण मिलते हैं, जैसे कि कट्टचूरी, कलतचूरी, कलार, कलाल, कलवार, कलचूरी, और ये जितने भी शब्द हैं इन सबकी जो उत्पत्ति है वो तुर्की के कुलचू शब्द से मानी जाती है जिसका अर्थ होता है उच्च उपाधि युक्त। अब हम बात करते हैं इनके भौगोलिक विस्तार की। तो देखो, कलचूरी नाम से भारत में दो राजवंश थे, एक मध्य और पश्चिमी भारत में और दूसरा जो था वो दक्षिणी कलचूरी थे। तो जो मध्य और पश्चिमी भारत में राज्य कर रहे थे उनको चेदी, है और उत्तरी कलचूरी कहा गया और ये जो दक्षिणी कलचूरी थे ये तो कर्नाटक क्षेत्र में राज्य करते थे। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के बाहर इन्होंने प्रयाग, काशी, माहिष्मती, कालंजर, त्रिपुरी और छत्तीसगढ़ के अंदर तुम्मान, रतनपुर, कोसंगई, खलारी और रायपुर को राजधानी बनाकर
लगभग 550 से लेकर 1741 ईस्वी मतलब 1200 वर्षों तक यहाँ शासन किया। इन्होंने 248 ईस्वी से आरंभ होने वाले त्रिकूटक संवत का लगभग 1000 वर्षों तक प्रयोग किया। मतलब ये जो 1000 वर्ष है ये तो बहुत ही लंबा समय होता है ना, इसीलिए ये जो संवत है इसको कलचुरी संवत भी कहा गया। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में इनके राज्य स्थापना से पूर्व के ऐतिहासिक परिदृश्य की। तो बहुत सारे अभिलेखों में कृष्णराज को कलचुरी वंश का आदि पुरुष माना जाता है। ये जो कृष्णराज है इसने 550 ईस्वी में माहिष्मती में इस वंश की स्थापना की और इसके बाद यहाँ शंकरगढ़ और उसके बाद बुद्धराज शासक हुआ। लेकिन बुद्धराज का ही शासन काल था जब 620 ईस्वी में क्या हुआ कि चालुक्यों ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया जिसमें बुद्धराज की हार हुई और इसके बाद जो कलचुरी वंश है वो क्रमशः जो है वो छीण होता चला गया और लगभग 150 से लेकर 200 वर्षों तक इनकी कोई प्रशस्तियां यहाँ नहीं मिली। लेकिन बाकी जितने भी अन्य अभिलेख थे उससे ये पता चलता है कि चालुक्यों से युद्ध में पराजित होने के बाद इन्होंने अपने वैभव को प्राप्त करने का बहुत प्रयास किया लेकिन ये हमेशा ही निष्फल साबित हुए और अंततः क्या हुआ इनको चालुक्यों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। फिर इसके बाद क्या हुआ कि जो बुद्धराज के वंशज थे वो माहिष्मती को छोड़कर चेदी देश की ओर आकर बस गए। फिर 7वीं शताब्दी के अंत में कलचुरी राजा वामराज देव हुआ। इसने सबसे पहले क्या किया कि कालिंजर पे इसने विजय प्राप्त की और उसको अपनी राजधानी बनाया। फिर धीरे धीरे क्या किया वो गंगा और गंडक नदी को पार करके उसके जितने भी आसपास के प्रदेश थे उसको वो अपने अधीन कर लिया और इस पूरे क्षेत्र में उसने अपने भाई लक्ष्मण राज को गद्दी पर बिठा दिया। जो लक्ष्मण राज के वंशज थे वही सरयू पार के कलचुरी कहलाए और ये जो पूरा एरिया था ये गोरखपुर का एरिया था। फिर वामराज देव क्या किया वहां से आगे बढ़ते बढ़ते नर्मदा नदी के तट पर त्रिपुरी आया और अपनी राजधानी त्रिपुरी को बनाकर यहाँ कलचुरी वंश की नींव डाली। त्रिपुरी जो है वो जबलपुर से 6 मील की दूरी पर स्थित है और अभी इसको तेवर शहर के नाम से जाना जाता है। लेकिन त्रिपुरी को जो स्थायी रूप से राजधानी बनाने का श्रेय है वो इसके बेटे कोकल्लदेव प्रथम को जाता है। बिलहरी लेख के अनुसार कोकल्लदेव जो था वो बहुत ही शक्तिशाली राजा था और इसके जितने भी विजयों का वर्णन है वो सब आपको बिलहरी लेख में मिल जाएगा। अब हम देखते हैं त्रिपुरी के कलचुरी शासक। तो सबसे पहले हम एक बार नजर डाल लेते हैं त्रिपुरी के कलचुरियों के वंशक्रम पर। तो इस वंशक्रम में सबसे पहले 7वीं शताब्दी में वामराज देव हुआ और उसके बाद दूसरी से लेकर तीसरी पीढ़ी तक यहाँ पर जो भी शासक थे उनका कुछ भी पता नहीं चला। उसके बाद फिर 8वीं शताब्दी के मध्य में यहाँ शंकरगढ़ प्रथम राजा हुआ और उसके बाद उसका बेटा लक्ष्मण राज और उसके बाद कोकल्लदेव प्रथम हुआ। लेकिन लक्ष्मण राज और कोकल्लदेव के संबंध में भी कोई जानकारी नहीं मिलती है। कोकल्लदेव के 18 बेटे थे, इसमें जो उसका सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम था शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग और कोकल्लदेव के बाद यही शासक बना। फिर उसके बाद बालहर्ष, युवराज देव के बाद उसका बेटा लक्ष्मण राज द्वितीय, फिर शंकरगढ़ तृतीय और उसके बाद उसका भाई युवराज देव सेकेंड शासक बना। फिर राजा हुआ कोकल्लदेव सेकेंड। कोकल्लदेव के भी 18 बेटे थे जिसमें इसका जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम था गांगेदेव। अब हम देखते हैं किस प्रकार त्रिपुरी के कलचुरियों ने दक्षिण कौशल में अपनी सत्ता स्थापित की। 890 ईस्वी की बात है जब त्रिपुरी में शंकरगढ़ मुग्धतुंग शासन कर रहा था तब दक्षिण कौशल का जो पाली क्षेत्र था वहां पर बाणवंशी शासक विक्रमादित्य का राज्य था। फिर क्या हुआ कि 900 ईस्वी में शंकरगढ़ ने उस बाणवंशी शासक विक्रमादित्य को हराकर पाली क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और अपने भाइयों को बिलासपुर संभाग के कुछ मंडल का मंडलाधिपति बनाकर वहां से वापस त्रिपुरी आ गया। उस समय बिलासपुर संभाग में एक मंडल लाफा जमींदारी के अंतर्गत आता था जिसका नाम था तुम्मांड। यहाँ कलचुरियों ने बहुत लंबे समय तक राज्य किया। इनकी यह जो शाखा थी वो दक्षिण कौशल को स्वतंत्र कराने में हमेशा लगी रही। लेकिन क्या हुआ कि कुछ वर्षों बाद इनकी शक्ति जो है वो कम होने लगी और जो उड़ीसा के सोमवंशी राजा थे उन्होंने 950 ईस्वी में इस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। इसी समय जब सोमवंशी राजा महाभवगुप्त ययाति जो था वो दक्षिण कौशल पर राज्य कर रहा था तब युवराज देव प्रथम और उसका जो बेटा था लक्ष्मण राज द्वितीय उसने दक्षिण कौशल पर चढ़ाई कर दी किंतु इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। फिर क्या हुआ दूसरी बार इन्होंने फिर से यहाँ आक्रमण किया लेकिन इस बार क्या हुआ सोमवंशी शासक जो थे वो पराजित हुए। अभी तक देखिए 3 बार त्रिपुरी के कलचुरियों ने दक्षिण कौशल पर आक्रमण कर लिया है। अब 4थी बार 1000 ईस्वी में जब त्रिपुरी में कोकल्लदेव राज कर रहा था तब उसका बेटा जो है कलिंग राज उसने 4थी बार दक्षिण कौशल में आक्रमण किया।
इसने दक्षिण कौशल के सभी जनपद को जीतकर इस क्षेत्र में अपना वास्तविक नियंत्रण स्थापित किया और अपनी राजधानी जो है तुम्मांड को बनाया। इस प्रकार 1000 ईस्वी में त्रिपुरी के है वंशियों ने छत्तीसगढ़ में अपना राजनैतिक नियंत्रण स्थापित किया। जो कलिंग राज है वो छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का संस्थापक था। इसके बाद यहाँ कमल राज, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जाजल्यदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजल्यदेव द्वितीय, जगतदेव, रत्नदेव तृतीय और प्रताप मल्ल ने 1222 ईस्वी तक यहाँ शासन किया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आइए देखते हैं CGPSC में इस विषय से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, कलचुरी वंश का आदि पुरुष किसे माना जाता है? इसमें ऑप्शन है ए कलिंगराज, बी वामराज देव, सी शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुम, डी कृष्णराज और ई इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न है, सर्वप्रथम त्रिपुरी के कलचुरी शासक शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुम ने दक्षिण कौशल के किस क्षेत्र पर अधिकार किया? इसमें ऑप्शन है ए रतनपुर, बी पाली, सी तुम्मांड, डी रायपुर और ई इनमें से कोई नहीं। आपको इन प्रश्नों का जवाब हमें कमेंट करके देना होगा और जो भी इन प्रश्नों का सही जवाब देगा उसका नाम हम हमारे अगले वीडियो में बताएंगे। ये जो टॉपिक है वो नीचे दिए गए लिंक में PDF फॉर्म में भी उपलब्ध है, तो आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कलचुरियों ने छत्तीसगढ़ में किस प्रकार, कहाँ कहाँ और कैसे शासन किया, तो इसके लिए आपको हमारे अगले वीडियो का इंतजार करना होगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव देना चाहते हैं, अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी अन्य विषय पर जानकारी चाहते हैं तो भी आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।